ये हमारा शो है लाल इश्क, जो कि एक एपिसोडिक है, और जो हमारी स्टोरी है उसमें वो किस तरीके से एक लड़की को प्यार होता है, वो लड़का है भी या नहीं है, और एंड में क्या होता है उस लड़की के साथ, ये कहानी है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने अपने आप में एक बहुत यूनिक है, बिकॉज जहाँ प्यार होता है वहाँ बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ कहानी ऐसी भी होती है जहाँ पे प्यार को पाने के लिए कभी कोई गलत चीज़ भी हुई होती है और कभी कोई सही चीज़ भी हुई होती है। तो जो चीज़ गलत हुई होती है उस इंसान को लगता है कि वो गलत हो गया है और वो पीछे छूट गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जो छूटा है पीछे वो उसके हिसाब से छूटा हुआ है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ती पूरी ज़िंदगी। तो ऐसी घटनाएं इस कहानी में दर्शाई गई है, और लाल इश्क की सारे कहानियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग किरदारों से ये सारी चीज़ें सामने आएगी। नेवर डन एपिसोडिक इन माई लाइफ, एंड इनिशियली आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि भाई करना है नहीं करना, बट व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी। तो मुझे लगा कि जॉनर थोड़ा सा अलग है, लव स्टोरी तो हर एक मतलब मैं अभी तक करते आया हूँ, बट लव स्टोरी विद अ सुपरनैचुरल ट्विस्ट जो कि लाल इश्क में है वो थोड़ा सा अलग था, एंड स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी थी, इट्स बीन प्लॉटेड रियली वेल। बड़ा अलग टाइटल है लाल इश्क, बिकॉज लाल इश्क, इश्क का रंग लाल ही होता है, यू नो योर हार्ट एंड एवरीथिंग लव इज ऑलवेज रेड, पर यहाँ पे मुझे पता है कि वो लाल जो है वो लव एलिमेंट वाला लाल नहीं है, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ मिस्ट्री, सस्पेंस, नेगेटिव एलिमेंट, वो उस कैटेगरी वाला लाल है। सो आई थिंक इट्स अलग टाइटल, लाल इश्क साउंड्स इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, एंड इट्स अ मैरिज बिटवीन लव एंड द सुपरनैचुरल पावर, एंड देयर इज अ वॉर बिटवीन ऑल्सो लव एंड सुपरनैचुरल पावर। सो आपको समझ में आ ही जाएगा, देन यू गेट टू नो इट्स हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर शो। देयर इज अ लव, देयर इज अ पैशनेट लव, देयर इज अ थ्रिल, देयर इज अ supernatural stuff is there, so when you'll get to know so many things from this show, and in the end of the story you will get such a very nice messages. Hamari jo story thi wo kafi karma pe thi, to I think karma hota hai, and jo hamari story thi wo bahut matlab what you do to others really comes back to you, so and I truly believe in that. Love stories के साथ साथ एक supernatural touch है, so which is very exciting, and मैंने पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, so I'm really excited. I believe where there's a God, there must be some supernatural things also there, but in personal life I never felt that yet, so thankfully. I remember very clearly, I went to sleep, I was about to sleep, I closed my eyes, I heard some sound as if somebody is entering the room. तो मैंने आँख खोला, मैंने देखा एक कोई बंदा था जो ऐसे पास हो रहा था विंडो के तरफ, मुझे लगा मेरा कज़िन है जो कुछ ढूंढने आया है ना, तो आई थॉट लेट मी गिव हिम सम प्राइवेसी, आई क्लोज माय आईज फॉर टू सेकंड्स एंड आई ओपन्ड इट एंड ही वाज नॉट देयर, सो आई वाज लाइक ये क्या हुआ, यू नो, एंड इट वाज स्टार्टलिंग, रियली स्टार्टलिंग।